राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे नवरात्रि में दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन के विषय में। शास्त्र के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार कन्या पूजन किस प्रकार से हमें करना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, किस प्रकार से पूजन की विधि है, वह सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन गुरुवार, अधिक आश्विन माह, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रातः 8:32 तक रहेगी। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी शाम को 6 तक रहेगा। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग ब्रह्म, करण वाणिज्य और विष्टिवद्र। राहुकाल का समय दोपहर 1:30 से आरंभ होकर 3 तक। अभिजित मुहूर्त का समय 11:35 से आरंभ होकर 12:21 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6 से आरंभ होकर 7:30 तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 4 से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार आज बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। दिशाशूल दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, दही खाकर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं और जानते हैं कन्या पूजन की विधि। व्यास जी के द्वारा रचित 18 पुराणों में एक पुराण है जिसे श्री देवी भागवत के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत के अनुसार कन्या पूजन के विषय में विस्तार से कहा गया है कि जो भी भक्त भगवती की कृपा अनुकंपा प्राप्त करना चाहता है, उसे नवरात्रि के व्रत रखने के पश्चात कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवती के निमित्त अष्टमी या नवमी तिथि को जब आप कन्या पूजन करते हैं, पूर्व में भगवती के निमित्त आप थोड़ा सा हवन या यज्ञ करें। उसके पश्चात आप कन्याओं को बुलाकर उनका पूजन अवश्य करें, जिससे भगवती की श्रेष्ठ कृपा आपको प्राप्त होगी। लेकिन उसके कुछ नियम हैं, कुछ सावधानियां हैं, वह आपको रखनी चाहिए। चलिए जानते हैं। सबसे प्रथम, कन्या पूजन जो है नारी शक्ति का पूजन है। यही शक्ति जो संसार को चलाती है, तो इसमें बड़ी सावधानी से, बड़े प्रेम और भाव के साथ आपको पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन यानी कन्या जो अति सुंदर है, दिव्य है, कोमल हृदय है और भाग्यशाली भक्तजनों को ही इनकी प्राप्ति होती है। कन्या पूजन की विधि, सबसे पहले एक दिन पूर्व आप कन्याओं को निमंत्रण देके आए, 9 कन्याओं को निमंत्रण देके आए और एक बालक को जिसे भैरव या हनुमान जी के रूप में हम आवाहित करते हैं, अपने घर बुलाते हैं, तो वह बहुत ज़रूरी है। जब वह कन्याएं आपके घर आएं, तो एक बार जोर से भगवती दुर्गा मैया का जयकारा लगाना चाहिए, जय माता दी बोलनी चाहिए। सबसे पहले उन सभी कन्याओं के और जो भैरव स्वरूप बालक हैं उनके आप पैरों में जल गिराएं, पैरों को धोएं, साफ करें। उसके पश्चात आप हाथों को धुलाएं। उसके पश्चात एक तौलिया आप दें जिससे वह हाथ पूजें। उसके बाद एक सुंदर सा आसन लगाकर, आसन लाल हो तो सर्वोत्तम रहेगा, नहीं तो आप कोई लाल चादर आदि आप बिछा सकते हैं, वह भी उपयुक्त रहेगी। आप लाल चादर या आसन बिछाएं, सुंदर साफ हो, धुला होना चाहिए, उसको बिछाएं। उसके ऊपर प्रेम से भाव के साथ उनको बैठाएं। इसके पश्चात उनके आगे सुंदर सी आप थालियां लगाएं भोजन की, जो भी लगाना है आपने भोजन। लेकिन सावधानी आपको रखनी चाहिए भोजन में, क्या क्या, सब्जी तीखी नहीं होनी चाहिए, उसमें नमक मिर्ची हल्की आप रखें। भोजन में पूरी अवश्य बनानी चाहिए, भोजन में चना अवश्य बनाना चाहिए, हलवा अवश्य बनाना चाहिए और खीर, ये 4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। और जो भी आप सब्जी बनाएं, वह कन्याओं को पसंद आनी चाहिए, इस प्रकार से आप बनाएं। उसमें सलाद भी आप रख सकते हैं, उत्तम रहेगा। लेकिन लहसुन प्याज का आपको ध्यान रखना है, इस दिन खाने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो देवी भागवत के अनुसार 9 दिन के जब आप व्रत धारण करते हैं, तो 9 दिन के बीच में भी आपको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज इत्यादि जो है घर में ना बने ना उनका प्रयोग हो, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हमेशा खाना आप कन्याओं को पूछकर थोड़ा थोड़ा परोसें, बड़े प्रेम और भाव के साथ उनको भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात भोजन के पात्र को आप उठाएं, कन्याओं से नहीं उठवाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें, अन्यथा उसका पुण्य, उसका जो पुण्य फल है वह आपको आधा प्राप्त होगा। पात्र आप उठाएं। इसके पश्चात उन्हें बैठे रहने दें, एक बड़ा सा पात्र लेके आएं और उस पात्र में उन सभी कन्याओं के, बटुक भैरव जो बालक हैं उनके हाथ
उसी में धुलवाएं। उसके पश्चात एक वस्त्र दें, सभी के हाथ पुछवा दें, हाथ पोंछने दें। इसके पश्चात उनको माथे पर रोली का तिलक लगाना चाहिए। रोली का तिलक कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली है उस उंगली से आपको तिलक लगाना चाहिए रोली का। उसके पश्चात थोड़ा सा हल्दी का तिलक भी आपको लगाना चाहिए, उसके ऊपर आप थोड़ी सी चावल लगाएं। उसके पश्चात आपको हाथ में कलावा बांधना चाहिए। कलावा दाएं हाथ में ही सभी के बनेगा। कई लोग कन्याओं के बाएं हाथ में बांध देते हैं, लेकिन विवाह के पश्चात बाएं हाथ में कलावा बांधने की परंपरा है, यही शास्त्र का निर्देश है। तो आप सभी सीधे हाथ में यानी राइट हैंड में ही कलावे को बांधें। इसके पश्चात कुछ भी आप दक्षिणा उनको भेंट दे सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा है, जो भाव है। और एक बात का आप ध्यान रखें, उसके पश्चात आप जो भी उनके निमित्त भेंट आदि लेके आए हैं तो ऐसी चीज़ें उनको देनी चाहिए जो भविष्य में अधिक से अधिक समय तक उनके प्रयोग में आ सकें। क्योंकि जितना वह वस्तुओं को प्रयोग करेंगे आपके द्वारा दी हुई, उतना पुण्य उतना लाभ आपको प्राप्त होगा। उसके पश्चात सभी भेंट आदि देकर चरणों का स्पर्श करें, आशीर्वाद आपको ग्रहण करना चाहिए। और कुछ विशेष बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब नई नई परंपराएं आ गई हैं। तो लोगों ने क्या किया है कि कन्याएं हलवा पूरी इत्यादि खाती नहीं हैं, तो इसलिए हम चाउमीन माइक्रोनी पास्ता आदि बनाकर हमने उनको परोस दिया है और उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया है। यानी चाउमीन माइक्रोनी पास्ता आदि हमने खिला दिया है। तो ऐसा करने से आप भगवती को प्रसन्न करने की बजाय और क्रोधित कर रहे हैं, यानी उनकी कृपा तो मिलने से रही क्रोधित और हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नई परंपराएं ना बनाएं, जो शास्त्र ने कहा है उसी को करें, अन्यथा शुभ परिणाम प्राप्त आपको नहीं हो पाएंगे। जिस लाभ के लिए, जिस कामना के लिए आप कर रहे हैं पूजन, उसका फल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो कुमारियाँ हैं वह 2 से 10 वर्ष के मध्य उनकी आयु होनी चाहिए, ना उससे छोटी हो ना उस आयु से बड़ी। हाँ, यदि अगर कन्याएं आ गई हैं बड़ी आयु की हैं तो उनको भी भोजन और सम्मान देना चाहिए। इस क्रम में अब हम जानते हैं किस कन्या को किस नाम से पुकारा जाता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी के नाम से पुकारा जाता है, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति के नाम से पुकारा जाता है, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या संभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के नाम से जानी जाती है। तो देवी भागवत के अनुसार ये क्रम है कन्या पूजन का। इस प्रकार से आपको कन्या पूजन करना चाहिए, तभी आपको जो नवरात्रि के आपने व्रत धारण किए हैं, जो भगवती की सेवा की है, उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को अभी करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।